हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ThePMTutorials में। आज हमारा विषय फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम वर्किंग और NPN ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू PN जंक्शन डायोड। मतलब ये दो PN जंक्शन डायोड का एक कॉम्बिनेशन है। आप कहोगे सर PN जंक्शन डायोड क्या होता है? By adding one P-type semiconductor and one N-type semiconductor, adding both, we can create a PN junction diode. ठीक है? यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। हम इसके कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा इन्फो। ठीक है? NPN ट्रांजिस्टर बनता कैसे है? जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच किया जाता है तो एक NPN ट्रांजिस्टर बनता है। सिमिलरली PNP ट्रांजिस्टर, मतलब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच होता है तो एक PNP ट्रांजिस्टर बनता है। आप कहोगे सर हम हमेशा मोस्ट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर ही ज्यादा यूज में लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू मास ऑफ होल्स कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होल्स के मास से कम होता है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। मतलब मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी चार्ज कैरियर प्रॉपर्टी। अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में थ्री लीड्स होती हैं। फर्स्ट वन एमिटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ पर आप देखोगे जो एमिटर जंक्शन है वो थोड़ा छोटा होता है कंपेयर टू कलेक्टर जंक्शन के, और बेस जो होता है वो दोनों से थोड़ा छोटा होता है। ये जो पहला जंक्शन दिख रहा है इसे हम एमिटर जंक्शन के नाम पे जानते हैं, और जो सेकेंड जंक्शन है इसे हम कलेक्टर जंक्शन के नाम पे जानते हैं। जो साइज है एमिटर जंक्शन की, ये कंपेयर टू कलेक्टर जंक्शन थोड़ी कम है, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कलेक्ट करता है। कलेक्टर जंक्शन इसकी वजह से इसकी साइज ह्यूज होती है, और एमिटर जंक्शन इसके नाम से पता चल रहा है ये एमिट करता है। किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। इसके वजह से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और ये इसकी साइज थोड़ी छोटी होती है। अब यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है। यहां पर आप देखो तो दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। बेस एक तो एमिटर के साथ कनेक्ट हो सकता है और बेस एक तो कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है। जो एमिटर, बेस और कलेक्टर है डिपेंड्स अपॉन साइज एंड डोपिंग। जैसे कि यहां पर आप देखोगे ई फॉर एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। साइज ऑफ एमिटर ग्रेटर देन बेस एंड लेस देन कलेक्टर, और डोपिंग इसकी हाई होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, बेस का साइज क्या होता है? लेस होता है, और डोपिंग भी लेस होती है। कलेक्टर का साइज मैंने बताया जैसे कि ह्यूज होता है, और डोपिंग क्या होती है? बेस से ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन से कम होती है। अब आप देखोगे हम ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में जानेंगे ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर की बायसिंग दो तरीके से होती है। यहां पर शॉर्टकट लिख रखा है मैंने EF और CR। EF का मतलब एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, और CR मतलब कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में होगा, जिसके बारे में हम फर्दर जानने वाले हैं, वीडियो में आगे जानेंगे। यहां पर मैं सिंबल्स के बारे में बता देना चाहूंगा। हमारे सिंबल्स हैं NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में ये जो एरो का साइन है ये हमेशा बाहर की तरफ होता है, आप कभी कंफ्यूज मत होना। अदरवाइज एरो का साइन अगर अंदर होगा तो वो PNP ट्रांजिस्टर होगा। तो यहां पर देखिए PNP ट्रांजिस्टर में एरो का साइन क्या है? अंदर की तरफ है, और ये PNP ट्रांजिस्टर है। अब हम वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर जानने वाले हैं। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये डायग्राम हम समझते हैं। इसमें ये NPN यहां पर लिखा हुआ है NPN। EJ का मतलब एमिटर जंक्शन, CJ का मतलब कलेक्टर जंक्शन, और ये है एमिटर लीड, ये है बेस और ये है कलेक्टर लीड। अब आप देखोगे एमिटर बेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ डॉट्स यहां पर ज्यादा बनाए हैं। यहां पर नंबर ऑफ
होल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं कंपेरेटिवली, इसके लिए मैंने डॉट्स थोड़े कम बनाए हैं और कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं मैंने यहाँ पर। अब देखो इसका एक्टिवेशन कैसे करेंगे। एक्टिवेशन के लिए हम एमिटर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस मतलब देखोगे नेगेटिव जो एन टाइप एन टर्मिनल है उसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और पी टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, कलेक्टर रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा। कलेक्टर मतलब रिवर्स बायस मतलब जो एन टर्मिनल है उसे हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और पी टाइप पी को नेगेटिव के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये आपका एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल को नेगेटिव के साथ, ये आपका पी टर्मिनल है, पी टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, ये आपका पी टर्मिनल यहाँ पर नेगेटिव के साथ और एन टर्मिनल पॉजिटिव के साथ। इसमें आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे एक करंट फ्लो होगी जिसे हम कहेंगे एमिटर करंट, और बेस में रहे हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बेस करंट फ्लो होगी, और यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर पोटेंशियल को पार करके इस पार जाएंगे कलेक्टर में फ्लो होंगे वो क्या करेंगे कलेक्टर करंट फ्लो करेंगे, फॉलो इनकी डायरेक्शंस इस डायरेक्शन में दी गई हैं। अब देखोगे आप एमिटर जंक्शन शॉर्ट हो जाता है कब, जब अपने फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कंडक्शन ज्यादा होता है, कंडक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है यह एमिटर जंक्शन जो होता है शॉर्ट हो जाता है और कलेक्टर जंक्शन एक्सपैंड हो जाता है। यहां पर तीन टाइप की करंट देखने को मिलती है, पहले तो एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द पीएम ट्यूटोरियल्स एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन।